तो हेलो एडिटिंग लवर्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आ चुका हूं एक और न्यूडी के साथ। एंड आज की इस वीडियो में हम यहां पर बात करने वाले हैं, क्या आप काइन मास्टर को पीसी में इंस्टॉल कर सकते हो या फिर नहीं। एंड मुझे पता है अब तुम लोग यही सोचोगे कि भाई क्या हम काइन मास्टर को पीसी में यूज कर सकते हैं या फिर नहीं। तो हाँ, आप काइन मास्टर को पीसी में इंस्टॉल कर सकते हो एंड यूज कर सकते हो इजिली। एंड अब तुम लोग बोलोगे भाई हम काइन मास्टर को पीसी में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए तुम लोगों को एक एमुलेटर की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम लोगों ने पहले से कोई एमुलेटर इंस्टॉल कर रखा है तो उसमें तुम लोग ट्राई कर सकते हो काइन मास्टर को इंस्टॉल करके। अगर काइन मास्टर वर्क करता है तो सही है, नहीं वर्क करता तो तुम लोग दूसरा एमुलेटर कोई ट्राई कर सकते हो। एंड अब मुझे बता, तुम लोग ये बोलोगे भाई आप कौन सा एमुलेटर यूज करते हो। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ प्राइम ओएस। एंड अगर आपके पास एक लो एंड पीसी है तो उसके लिए प्राइम ओएस काफी अच्छा एमुलेटर है। एंड अगर तुम लोगों को इस एमुलेटर को इंस्टॉल करना सीखना है तो इसके ऊपर मैंने पहले से एक ट्यूटोरियल बना रखा है, तो वीडियो की लिंक मैं ऊपर आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात करते हैं कि भाई हम काइन मास्टर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जो भी आपका एमुलेटर है उसको ओपन कर लो। ओपन करने के बाद सिंपल आपको क्या करना है, प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपल आपको यहाँ पर सर्च करना है काइन मास्टर। एंड यहाँ पर आपको काइन मास्टर देखने को मिल जाएगा। एंड मैंने यहाँ पर पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है। एंड अगर आपने इंस्टॉल नहीं कर रखा होगा तो यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा। सिंपल आपको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पर आपका भी ये ओपन वाला ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल आपको ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर जो आपका काइन मास्टर है वो ओपन हो जाएगा। सिंपल आप जिस तरह मोबाइल में यूज करते हो उसी तरह पीसी में यूज कर सकते हो। देन सिंपल आपको क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो एंड इजिली यूज कर सकते हो काइन मास्टर को पीसी में। एंड अगर आप ट्यूटोरियल बनाते हो तो अगर आप काइन मास्टर को पीसी में यूज करते हो तो काफी इजिली आप ट्यूटोरियल बना पाओगे। एंड अगर आपके पास एक लो एंड मोबाइल डिवाइस है तो आप काइन मास्टर को पीसी में यूज करके काफी अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हो। एंड इस तरह आप इजिली काइन मास्टर को पीसी में इंस्टॉल कर सकते हो एंड यूज कर सकते हो। एंड इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और मैं आपको मिलूंगा इसी और न्यू वीडियो में। तो बाय एडिटिंग लवर्स।